सिसोदिया की जमानत याचिका के ऊपर आज फैसला सुना सकता है। ईडी और सीबीआई दोनों के मामलों में मनीष सिसोदिया ने जमानत मांगी है। पिछले करीब 15 महीनों से सिसोदिया जेल में बंद है। शाम 5 बजे उनकी जमानत के ऊपर आज फैसला आ सकता है। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की जमानत के बाद आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया को ये उम्मीद है कि उन्हें भी जमानत मिल जाएगी। तो बड़ी खबर, आज शाम 5 बजे फैसला आ सकता है जमानत के ऊपर मनीष सिसोदिया की। बीते 15 महीनों से वो जेल में बंद है। बाहर आने के बाद मनीष सिसोदिया, क्योंकि उनका नाम वीआईपी लिस्ट में जो प्रचारकों की लिस्ट है उसमें शामिल है, तो बाहर आने के बाद उन्हें कुछ राहत मिल सकती है। एक और अहम जानकारी, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर के बड़ी खबर मिल रही है। ईरान के पूर्व विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने अमेरिका के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका की वजह से राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से ईरान के विमानों और हेलीकॉप्टर के कलपुर्जों की लगातार कमी हो रही है। ईरान के पूर्व विदेश मंत्री ने रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश से इस पूरी बात को अब जोड़ दिया है। और बड़ी खबर, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद ईरान में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए तारीख का ऐलान कर दिया गया है। नए राष्ट्रपति के चयन के लिए 28 जून को चुनाव होना है। चुनाव की तारीखों पर एक बैठक में फैसला लिया गया जिसका नेतृत्व ईरान के अंतरिम राष्ट्रपति मोहम्मद मुखबेर ने किया। तो बड़ी खबर, ईरान में राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 28 जून को राष्ट्रपति चुनाव ईरान के अंदर होना है। अभी जो वहां पर अंतरिम राष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से यह फैसला लिया गया है। बड़ी जानकारी झारखंड से, जहां के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अंतरिम जमानत की याचिका के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इसमें हेमंत सोरेन ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने की मांग की है। इसके साथ ही हेमंत सोरेन झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे जिसमें हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को सही ठहराया था। तो हेमंत सोरेन मामले में आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला होना है। जमानत उन्हें मिल पाएगी या फिर नहीं मिल पाएगी, इसी मामले के ऊपर कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और उसके बाद उनके अंतरिम जमानत, उसी के ऊपर आज फैसला आना है, आज सुनवाई होनी है। और बड़ी खबर, मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली एनसीआर में पारा 47 डिग्री के पार पहुंचने का खतरा है। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में पारा 47 डिग्री पार कर चुका है। मौसम विभाग ने अनुमान ये जताया कि दिल्ली एनसीआर के बाकी हिस्सों में भी यही हाल हो सकता है।